हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीएनवी पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक नहीं तो वो एक विंडो का फंक्शन है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइस, वो है कि आपने बहुत बार कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स इन सब का यूज़ किया होगा और इन्हें शॉर्टकट कीज़ कहते हैं। सो गाइस, अगर आप चाहें तो आप शॉर्टकट कीज़ से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये एक डेस्कटॉप का फीचर या विंडोज़ का फीचर है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सो गाइस, चलिए इसे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इस ट्रिक के बारे में, ये जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल है ओनली एप्लीकेशंस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं जनरल में, तो यहाँ पर exe लिखा होगा। exe या तो एक एप्लीकेशन साइट है, समझ गए आप। ये एक एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देख सकते हैं आइकन का फोल्डर यहाँ बना हुआ है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये पूरा फोल्डर है, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा ये फोल्डर है। और अगर हाँ, इस ट्रिक को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको कोई भी एक रैंडम एप्लीकेशन जिसका आपको शॉर्टकट बनाना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा डिज़ायर है कि मैं इस गूगल क्रोम में एक शॉर्टकट लगाऊँ और इसको डायरेक्ट उससे ओपन करूँ। ठीक है, मैं सबको एकदम लाइव दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ में आना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाते ही आप देखेंगे आपको डायरेक्ट शॉर्टकट नाम का एक टैब खुल जाएगा। आपको ऊपर दिखा होगा एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन एप्लीकेबल है तो एप्लीकेशन ही आपको मिलेगी। सो गाइस, एप्लीकेशन आपको सबसे लग रहा होगा। अब यहाँ आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पर शॉर्टकट कीज दिखा हुआ है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस पर नन को हटा के सो गाइस, इसमें आपको नन को हटाना नहीं है। फॉर एग्जांपल, नन ही रहेगा, बिल्कुल कन्फ्यूज हो गया था। सो आपको सिंपली एक शॉर्टकट की टाइप कर देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रोम है तो मैं कंट्रोल सी, एक मिनट, अगर मैं टाइप करूँ कंट्रोल ऑल्ट और सी। ठीक है, मैंने कंट्रोल ऑल्ट और सी सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है, एज सिंपल एज दैट। और एक परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन दे देनी है। उसके बाद सिंपली आपको ओपे क्लिक करना है। अब गाइस, आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको कर्सर यहाँ देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैंने कंट्रोल दबाया और दबाया, और अगर मैं सी दबाता हूँ तो ये जो मेरा क्रोम है वो तुरंत ओपन हो जाएगा। देखिए गाइस, मैंने कर्सर को हिलाया तक नहीं था, आपके सामने मैंने करा था और गूगल क्रोम का आइकन खुल गया है, गूगल क्रोम भी खुल गया है। सो गाइस, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है पर क्रोम की विंडो अच्छे से खुल चुकी है। आप चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन, जो भी एक एप्लीकेशन आपको अच्छी लगे उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप पर ट्राई करें, व्हाट्सएप पर सिंपली आपको प्रॉपर्टी में जाना है, शॉर्टकट क्लिक करना है, नन है, नन की जगह कोई सिंपली सा कंट्रोल ऑल्ट और डब्ल्यू देते हैं व्हाट्सएप के लिए, अप्लाई करना है, ओके कर देना है, एज सिंपल एज दैट। कंट्रोल ऑल्ट और डब्ल्यू सिंपली ओपन करेंगे। ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। सो गाइस, ये जो पूरा प्रोसेस है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जितना तेज़ आपका कंप्यूटर होगा उतनी तेज़ चीज़ें खुलेंगी। अब मेरा तो काफ़ी पुराना कंप्यूटर है इसलिए बहुत चीज़ें पुरानी बहुत धीरे खुल रही हैं। सो गाइस, व्हाट्सएप आप नीचे देख सकते हैं, आइकन व्हाट्सएप का बन के आ रहा है। फिर से मैंने कर्सर नहीं लाया था और आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का बन के आ चुका है। सो गाइस, अभी तो नेट कनेक्टेड नहीं है तो ये व्हाट्सएप चलने वाला नहीं है। सो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस, ये थी ट्रिक, आपको बताओ कैसी लगी। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस, टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।